وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الاراضين مهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على ادائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا امام زمان عليه السلام کی خدمت میں اور آل رسول اور رسول سے बिजअल रसूल रेहानतरसूल बिंदुर रसूल उम अबीहा हजरत फातमतरा सलवा की मजलूमियत और शहादत पर ताजियत पेश करते हैं और गुजारिश एक सूर्य फातिया की तमाम मोमिन ममना के लिए तमाम उमय कराम मराजाम तमाम शहदाय मिलत के लिए और हम सब के आबा उजदाद और आयजा और रिश्तेदारों के लिए और खसूस तो कल खसूस परसों और आज जो मिलत तशैय दो अजीम हस्तियों से महरूम हुई यानी आज हजरत आयतल उज्मा सैद मोहम्मद सदक़ हुसैन रूहानी रज़वानल्ल तुनिया से रखत हुए और परसों पाकिस्तान की एक अज़ीम शख्सियत बुजुर्ग आलमदीन हजरत इस्लाम और उमसलमिना शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी जाड़ा साहब दुनिया से रुख़त हुए कि जुने निस सदी से ज़्यादा पाकिस्तान के मदरसों में मजहब अहल तशयो और मकतब अहल बैत के लिए खिदमत गुजार फराहम फरमाए तो मुख्तसर सी गुफ्तु इन दो अफराद के बारे में क्योंकि यही वो हस्तियाँ हैं कि जिनके जरिए से जनाब सैदा से मोहब्बत करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ और उन लोगों की तरबियत हुई लिहाजा ये जहन में ना रहे कि ये अयाम फातमिया की मजालस हैं तो उनका जिक्र क्यों हो रहा है उनका जिक्र ही इसलिए हो रहा है कि यह खिदमत गुजारा जनाब सैदा सलाम उल्लाहा में से थे आयतुल्लाह उज़्मा सैद मोहम्मद हुसैनी है रूहानी के जो सफ़े अब्बल के मराजे में से थे और कमरी एतबार से नन्यानवे साल की उम्र में और शमसी एतबार से नाइन्टी सिक्स साल की एज में दुनिया से रख्सत हुए आयतुल्लास्मा खुई आयतल उज़मा इस्फानी कम्पानी आयतल उस्मा आयतुल्लाह आयतुल्लाुस्मा अबुल हसन इसफानी आयतुल्लास्मा शेख जयाउदीन अराकी और आयतुल्लास्मा नाइनी के शागिरदों में से थे और कहा जा सकता है कि इस जमाने की बड़ी मुनफरद शख्सियात में से थे तकरीबन ग्यारह साल की उम्र में दर से खारिज शुरू किया था और पंद्रह सोलह साल की एज में और बाद जगह यह है कि बीस से कम में आगे हुई ने इनको मुशत माना और आगैब बुरजर्दी के ये शागिर्द थे और उसी जमाने में ये किताब लिख चुके थे फोर्टी वन जल्दों पर सादिक और आगे बुरजर्दी ने अपने दरसे खारिज में बाज दफा उनकी किताब का हवाला दिया यानी अपने शागिर्द की किताब का हवाला दिया कि यहाँ पर दो अजमतें नजर आती हैं एक आगे की कि वो अपनी अच्छी बात को एक अच्छी बात को कोट कर रहे हैं अपने शागिद की किताब से और दूसरी जानब शागिर्द की अजमत नजर आ रही है कि उनका कौल इतना अहम था कि आयतुल्लाह आयतल बुरजर्दी जैसे अफराद अफ, हस्ती और आलिम उनके कौल को नकल करवा रहे कर रहे हैं तो वो दुनिया से रख्सत हुए एक तवील उम्र खदमत अहिलतम के बाद उनके कुछ नजरियात बहुत ही मुनफरद थे जिनमें से एक वो बालिग और रशीदा लड़की बालिग हो तो बालिग तो फिजिकली होती है रशीदा वो कि जो अच्छे बुरे की तमीज़ करती हो तो फरमाते थे बाप की इजाज़त की शादी में जरूरत नहीं है इसी तरह से आज़ादारी में वो फरमाते थे कि कमा जनी और जंजीर जनी आजादारी के अहम मजदाक है वो लिहाजा वो उसकी बहुत ज्यादा ताकीद फरमाते थे मुख्तलफ उनकी किताबें और शागिर्द जो उन्होंने तरबियत की है वो अपनी जगह और जैसा कि हमने तवज्जो दिलाई कि अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ये जाड़ा साहब ये जाड़ा फैमिली पंजाब में खसूस डेरा गाजी खान में डेरा इसमाइल खान में इस पूरे इलाके में इनकी बड़ी खदमांत हैं और इन्हीं के कजन थे इन्हीं के खानदान से थे हुसैन बख्श जाड़ा साहब के जिनकी तफसीर भी है अनवार नजफ और इन हजरात का अहम तरीन काम ही यही था खूब इन बजुर्वर का कि इन्होंने शायद साठ सत्तर साल जो है एक मदरसा चलाया है और इंतहाई खामोशी के साथ और बिल्कुल एक तकरीबन गुमनामी के आलम और यही वो बुजुर्गान हैं हैंकीत कि जिनके जरिए से इस वक्त दुनिया भर में मजहब हक अहल बैतुम सलाम को पहचाना जा रहा है अब एक मौजू डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं अब एक जानब तो हमने जिक्र किया आयतल उजमा सैद मोहम्मद सदक़ रूहानी का और दूसरी जानब इनका वो कुम में और नजफ़ में बड़े तशयो में से एक हैं कि जो आलम हजरत में से थे याद यानी इस वक्त जो चार पांच आलम हजरत थे उनमें से एक ये थे आयतुल्लाह रूहानी आयतल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े थे या बहुत छोटे थे ना आयतुल्लास्म बुरजर्दी को किसी ने आके बताया कि एक साहब आए हैं तो आगे बुजर्दी बुढ़ापे में बाहर तक आए उन लेने के लिए उन्होंने कहा कि हाँ भेजो उठ के चलना शुरू हुए जितना भी चल सकते थे और जब वो जाने लगे तो उनको दरवाजे तक छोड़ने आए अब ये जो साहब आए थे ये एक बूढ़े से साहब थे और एक देहात के पब्लिक के अदबार से कहा जाए देहात के मौलवी और आगे बुर्जर्दी कौन एक मर्जे तकली और अल इतलाक उस जमाने में कोई नहीं था और ये एक देहात के मौलवी बाद में किसी ने सवाल किया कि आपने इतना इनका एहतराम किया कि उठ के गए जब वो आ रहे थे दरवाजे तक छोड़ने गए ऐसा क्यों जबकि बहुत सारे लोग आते थे इनके लिए इतना एहतमाम और एहतराम क्यों तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि मैं और ये साथ पढ़ते थे जिस वक्त मैंने अपने लिए ये तशखीस दिया यानी अपने लिए ये जाना कि पर लाजम है कि मैं मुजतः बनूं और दर से खारिज में जाऊं उस वक्त इन्होंने अपने लिए ये तीस दिया था कि मैं दरस खारिज को छोड़ू और गाँव में जाके शियों की शियत को बाकी रखू लिहाजा मैं इनका एहतराम यू करता हूं कि इस शख्स ने जो अपने लिए अल्लाह की राह में सही समझा था उसको अब तक अंजाम दे रहे हैं क्योंकि असल जिम्मेदारी आलिम की यह है कि जिस चीज को वो लाजम समझता हो उसको अंजाम दे फी पढ़े बर मोहम्मद ये अयाम यानी अयाम हजरत फातमत जहरा सलवात वसला और हमेशा की तरह मैं तवज्जो दिलाऊं कि जनाब सैदा की मजलूमियत वो मजलूमियत है कि इसको जानने के बाद इंसान ऐलान करे या ना करे अगर वो शिया नहीं था और दूसरे मजहब या मकतब में था तो इस मजलूमियत को जानने के बाद वो उस मजहब और मकतब में नहीं रहता ऐलान करे या ना करे मुमकिन ऐलान ना करे लेकिन रहेगा नहीं वहां वजह यह है कि जनाब सैदा की मजलूमियत ऐसी है कि जिस वक्त बल्कि मिसाल दें कि मौला मौलामिर की मजलूमियत पता चल जाती है लोगों को तो क्या किया जंग जमल में जोजह रसूल ने जो कतले आम का बाजार गर्म किया और फिर क्या किया मुआविया ने अलबत्ता मुआविया को भी जो ग्रीन सिग्नल है वो जनाब आयशा ने दिया था ग्रीन सिग्नल क्या हाँ इट इज पॉसिबल आ जाओ आलम इस्लाम में जो पहला कत्ल वो जंग जमल था अब अगर कोई खातून को ना माने अब अगर कोई मुआविया को ना माने फिर भी वो रहता उसी मजहब में फिर भी वो रहता वहीं पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को जान ले और ये मान ले के माविया ने जुल्म किया और माविया ने इमाम को शहीद करवाया लेकिन फिर भी वो रहता वहीं है इमाम हुसैन की मजलूमियत को जान ले और यजीद को बुरा कहे फिर भी रहता वहीं है लेकिन जनाब सैदा की मजलूमियत ऐसी है कि जैसे ही पता चलेगा कि इन पर जुल्म करने वाला जालिम कौन है तो खुद ब खुद उस सबका मजहब की बुनियाद जड़ से उखड़ जाएगी वजह क्या है वजह यह है कि शिया कौन है कि जो मौला अमीर सिद्दीक अकबर फारूक हादमा बेहद यासुबुद्दीन अमीर इब्न अबी तालिब को रसूल का बेहुक्म खुदा वसी, खलीफा और तमाम मुसलमानों का इमाम मानता वो शिया और जो उनके मुकाबले में पहले सियासी खलीफा को सकीफा में चुना जाने के बाद सियासी खलीफा मानता हो वो कौन है वो सुन नहीं है तो कोई तासुब की बात नहीं है अब जैसे ही उसको पता चलेगा कि जनाब सैदा पे जुल्म करने वाला कौन है खुद ब खुद बुनियाद उसकी खत्म हो जाएगी तो जितने भी लोग शिया हुए याद रखें पूरी तारीख में इमाम हुसैन की मजलूमियत से बहुत सारे पर्दे हटते हैं यजीद मलून हबीस लोग अन खलीफा कहते हैं लेकिन ऐसा सातवा खलीफा कहते हैं मानो ना मानो चलेगा लिहाजा कुछ लोग हैं जो सातवा खलीफा कहते हैं ना कि पब्लिक बड़े बड़े उलमा ने जब अशरफो लंबिया की इस रिवायत को कि मेरे बारह खलफा होंगे इस उम्मत के बारह अमीर होंगे आयमा होंगे इस मौजू की जो रवायात हैं जब उनकी तफसीर बयान की है तो यजीद को सातवा खलीफा कहा है अब उस सातवें को बुरा कह के भी रहते वहीं हैं क्योंकि वो बुनियाद नहीं है तो जनाब सैदा की मजलूमियत ही को देख के सबके सब यहां आए हैं जितने भी आए याद रखें चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे त्यूनिस के हों त्यूनिस् के वक्त मशहूर और मारूफ महक् के जो मजहब का बैत में जिन्होंने कदम रखा यानी डॉक्टर तीजानी ये समावी जो आखिरी जिस चीज ने उनको हिलाया वो जनाब सैदा सलाम की मजलूमियत थी कि ना अब नहीं रहा जा सकता यहाँ ये बर्दाश्त कर लिया ये बर्दाश्त कर लिया ये बर्दाश्त कर लिया ये बर्दाश्त कर लिया ये भी फजाइल थे अली में ये भी फजाइल थे ये भी फजाइल थे ये भी फजाइल थे उसके बाद भी इंसान कहता है चलेगा लेकिन जब जनाब सैयदा की मजलूमियत कालम होता है तो फिर अगर वो वाकन इंसान है अगर वो अशरफुलंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लाम को मानता है तो फिर वो उस मकतब में बाकी नहीं रह पाता ये हम पहले भी अर्ज कर चुके कि वो ऐलान करे या ना करें ज्यादा तो बाज वो लोग हैं जो ऐलान नहीं कर पाते और बाज वो लोग हैं जो ऐलान कर देते हैं लेकिन जो असल चीज है वो वाली चीज के जो इस शख्स को मजबूर करती है और उसके बाद कोई चारा नहीं रहता तो वह मजलूमियत हजरत फातिमा जहरा सलाम अलैहा और यही वजह है कि हमेशा मकतब अहल में मजलूमियत हजरत फातिमा सलाम का कसरत से जिक्र हुआ और किताबों में बयान किया गया अब यह जिक्र जो है मुख्तलिफ सूरतों में है इनशाला कल कुछ गुफ्तगु क्योंकि एक काम किया जाता है कि अपनी ही कौम को शक में डाला जाए कल कुछ गुफ्तु हम अयाम फातमिया के बारे में भी करेंगे नई चीज नहीं है ज्यादा दिन हो जाना कम दिन होना यह अलग मौजू है लेकिन अयाम फातमिया चीज नहीं है और फिर इसके बारे में जो तमाम दुनिया में हुआ जो उलमा ने अंजाम दिया इनशाला उसकी जानब तोज्जो दिलाएंगे अब अगर, अगर अल्लाह सुबहान तला ने तोफी खतः फरमाई और दो तीन दिन ये तीन दिन का जो सिलसिला रहेगा तो इसको हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मौजूद बयान करें जिनमें से एक मौजूद के जो बिलाशक जब हम कहते हैं कि हजरत फ़ातिमा फातम निसाइल आलमीन हैं और तमाम खबात के लिए रोल मॉडल हैं, तो कुछ इन इस जाने भी तो दिलाएंगे के उनकी जिंदगी से एक असर लिया जाए मर्द भी लें और खातन भी लें और यह भी बात के लिए है कि जब हम कहते हैं कि रोल मॉडल हैं तो सिर्फ खवतानी के लिए नहीं है यानी खवतिन के लिए तो ज्यादा हैं और खसूस जो उनकी इसमत और इफ़त और पागदामिनी और तहारत और हया ये वो चीज़ है कि जो खूस तमाम खुतिन के लिए हमेशा आइडियल रही और रहेगी और रहनी चाहिए क्योंकि जो अलकाब में से इनके एक लकब है सिद्दीका वो इन्हीं का है जिस तरह से मौला के मौलाब इधर उधर स्मगल कर दिए गए तो जो सिद्दीका लकब है हजरत तो जहरा सल्वातम का है वो किसी और का नहीं है ये जो जनाब आयशा को कह दिया जाता है सिद्दीका ये कुरान के खिलाफ उनको सिद्दीका कहना असल कुरान की मुखालफत है अगर कोई सिद्दीका कहता है तो वो कुरान से जंग करता है सुबहाना से जंग करता है तो इस जहानी तवज्जो है कि जनाब सैदा उनमें से हैं कि जिनके लिए आए तथी आई है और जनाब आयशा उनमें से हैं कि जिनका जिक्र सूर्य तहरीम में है तो तहरीम वालों और तथीर वालों का कोई मुकायसा नहीं है सलवा पड़े बर व आले मोहम्मद अब एक फितना जो इस वक्त दुश्मन ने अहल बैत के दिफा में नजर आता है और वो बड़ा एट्रैक्टिव होता है वो क्या है इसको पहले भी एक दफा हमने डिस्कस किया है आज जनाब सैदा से के इस लकब के हवाले से भी डिस्कस कर दें वो ये है कि अब जब बात की जाए दुश्मनान अहल बैत की और उनके जराइम की तो वो कहते हैं कि उमोमिन अलबत्त याद रहे अशरफ उलम्बिया की अजवाश को जो उमोन कहा जाता है यानी मोमिन की माँ तो उससे कतन सिर्फ ये मुराद है कि इनसे शादी नहीं हो सकती इसके अलावा कुछ नहीं है यानी उमुल मोमिन सुनने के बाद यह भी जहन में रहे कि अगर उमोन मान भी लिया जाए तमाम मोमिन की माँ जो कि ऐसा कतन माना नहीं है सिर्फ यह है कि मोमिन के मायने निका नहीं हो सकता मान भी लिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वजह क्या है क्योंकि जो लोग इस लकब को अब अलबत्ता मुबसरीन सुन्नत ने कहा है कि सिर्फ ये माना है कि इनसे शादी नहीं हो सकती बाकी कोई माना नहीं है हता है इसको डिस्कस किया है कि इनका भाई मामू नहीं है अब माविया को मामू कहते हैं खाली हता है डिस्कस किया है कि इनकी बेटियां अगर रसूल अल्लाह वसल्लम से पहले इनकी बेटियां हैं अगर ये उमन हैं तो उनकी बेटियों से शादी भी हो सकती है माँ होने के अतबार से हमारी मिरास भी इनको नहीं जाएगी ये सारे मौजूद बयान किए हैं ना इनका भाई मामू है क्या मुराद यानी खातिन की शादी हो सकती है उससे ना इनकी बहनें खाला हैं क्या मुराद यानी मर्द शादी कर सकते हैं ना इनकी बेटियां बहने हो जाएंगी क्योंकि ये माँ है तो माँ की बेटी कौन होती है बहन तो उससे भी शादी हो सकती है अगर किसी की हो जैसे कि हजरत उम्म सलमा की पहले से एक बेटी थी उनकी सब ने सराहतन कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये कि इनसे निकाह नहीं हो सकता वो भी क्या मौजूद था तलहा ये कहते थे कि जब रसूल अल्लाह का इंतकाल होगा तो मैं शादी करूंगा किससे से जजाद भाई था वो ये बात अशरफुलंबिया को नागावार गुजरी और अल्लाह सुबहाना तला ने हुक्म फरमाया कि इनसे कोई भी शादी नहीं कर सकता यह मोमनिन की मां है यह असल मौसू है लेकिन कहा जाए कि अगर मोमिन की मां वैसे भी मान लें यानी बाखन माँ तो कौन सा कमाल है क्योंकि जिस से यह शोर हो रहा है वो तो अशरफुलंबिया की मां को काफिर मानते हैं जब अशरफुलंबिया और अंबिया की माए काफिर हो सकती हैं और उनका मोमिन होना और मुतकी होना और पाक खीजा होना अगर इन लोगों को साबित नहीं है तो आम मोमिन की माँ के बारे में क्या ख्याल है ये कहां से नतीजा निकला कि मोमिन की माँ मोमिन नहीं होगी जब अंबिया की माँ तुम्हारे नजदीक मोमिन नहीं होती तो आम मोमिन की माँ कैसे मोमिन होगी सलवात पढ़े बर मोहम्मद मोहम्मद यानी वो भी सकती है मोमिन नहीं भी हो सकती इस लखब से कोई नतीजा नहीं निकलता अब ये जो हमने अर्ज़ किया सूर तहरीम वाला मौजूद ये सब मोमिन को जिस तरह से आए तस्हीर का अलम है सूर तहरीम का भी होना चाहिए और शुरू की चंद आयतें जाके आप जरूर पढ़ें और उसमें जो असल मौजू है वो क्या है इन तथुबा फ़ख्त सख्त कुमा अगर तोबा कर लो तो बेहतर है तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं दो बीवियों के दिल टेढ़े हो चुके हैं अब यहाँ पर फितना किया जा रहा है कि महातमिन और असहाब जो है ना ये तारीखी हस्तियां नहीं है ये एक बड़ा जुमला आज बड़ा मशहूर हुआ है ये पुरानी हस्तियां इसका जो सिंपल जवाब है वो हर मोमिन को याद होना चाहिए सिंपल जवाब क्या है यानी असाब असाब पुरानी है। अच्छा, पुरानी अच्छा तो सही है आखिर जमाने की जो आयात है पहली बात तो यह सूरह मुनाफिकून किसके लिए सूरह जुमा में जो छोड़ छोड़ के जाते थे वो कौन लोग थे तो अगर आप इनको मुन नहीं करेंगे ये डरते किससे मुन करने से अगर आप इनको मुहैया नहीं करेंगे नतीजा क्या होगा सब मशकूक हो जाएंगे आखिर जमाने की बकरा की आयत में क्या है तमाम मुसलमानों को मुसलमानों मदीना में इर्द गिर्द जो बद्दू हैं इनमें मुनाफिक हैं वमिन अहल मदीना और अहिल मदीना में ऐसे हैं जो नफाक में शदीद हैं अब जब यह आयत आ गई कि अहिल मदीना में ऐसे हैं जो नफाफ में शीद हैं तो फिर यार कोई बच गया जाएगा इससे दिन ले लो कहा जाएगा मुमकिन ये से हो इससे दिन ले लो कहा जाएगा मुमकिन से हो इससे ले लो कहा जाएगा मुमकिन तो ये जो इन्होंने फरार का रास्ता निकाला है कि ये कुरानी हस्तियां हैं तो ये और फंस जाएंगे और ऐसा फंसेंगे फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा फिर सिर्फ तथीर वाले बचेंगे बिल्कुल इसी तरीके से अब जब ये कुरान में आ गया फलूबुमा कहते हैं नहीं मालूम ये कौन दो थी इतनी बात तो वाज़े है कि हजरत खतीजा नहीं थी क्यों नबी की दो बीवियों तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं दो बीवियां हजरत खतीजा के दौर में थी तो अकेली थी तो इसका मानना है कि ये बात की बात है फतलूबा कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं और कमाल की बात यह है कि जब भी कुरान मजीद में यह जिक्र आता है तो उसके बाद जो है वह आता है ताबा इन नबाबर्र रहीम अल्लाह जो है वह इस फलाने ने तोबा कर ली और अल्लाह तोबा कबूल करने वाला है यहां पर असन कोई ऐलान ही नहीं है तोबा की कि नहीं की हुक्म है तोबा कर लो और ऐलान भी है कि दिल टेढ़े हो चुके हैं लेकिन ना बाद में दिल सीधे होने का ऐलान कुरान में है ना हदीस में ना तोबा करने का ऐलान कुरान में है कि उन्होंने तोबा किया और अल्लाह ने कबूल कर लिया और ना हदीस में अच्छा अब अगर हदीस में हो भी तो क्या है क्या जवाब है इसका इसका जवाब यह है कि आप पहले कह चुके हैं कि कुरानी हस्तियां हैं और तारीख गलत है तो अगर तारीख में और कहीं अगर कहीं निकल भी आए तोबा तो कहा जाएगा वो तो आप पहले इनकार कर चुके हैं अगर आप तोबा को मानेंगे तो बाकी जराइम को भी मानना होगा अगर आप बाकी जराइम के लिए तारीख को और हदीस का इनकार करेंगे तो फिर तोबा के लिए भी तारीख और हदीस काफी नहीं होगी अब मामला क्या था मामला यह था कि अशरफुल लंबिया की सौजा थी जनाब जैनब बिनते जहश जब भी अशरफुलंबिया जाते थे तो उनके यहां ज्यादा बैठते थे और वो अशरफुलंबिया को अपने पास से खाने के लिए शहद देती थी इन दो खवीन ने कि जिनके दिल टेढ़ा होने का जिक्र है कुरान में और बुखारी में भी नाम है और तमाम सुन्नत में इनका नाम है कि ये कौन थी जनाब आयशा और हफ्सा इन्होंने क्या प्लानिंग की कि जब भी जैनब बिनते जहश के पास से मेरे या तुम्हारे पास अल्लाह आए तो हमें उनसे कहना है कि आपके मुंह से बदबू आ रही और बदबू कौन सी आ रही है मगाफीर की बदबू और जिस तरह से पौधों को कट लगा के उनमें से गोंद निकालते हैं आप जानते हैं गोंद अलग अलग होते हैं पाकिस्तान में भी अगर आप जाए तो जो अच्छा जानने वाला होगा उससे आपके गोंद तो कहेगा कौन सा गोंद कीकर का बबूल का नीम का तो अरबों में भी मुख्तलि दरख्तों के गोंद हैं उनमें से एक गोंद जो है वो बहुत अच्छा है हाफजे के लिए रवायतों में उसका जिक्र है उसको कहते हैं कुंदुर वो ईरान में मिलता है वाइट कलर का होता है पाकिस्तान वगैरह में उसको आप चबाएं तो वो बबल जैसा गम जैसा बन जाता है और वो हाफजे के लिए अच्छा है और हमला खुवान के लिए भी ये खाएं ताकि बच्चा जो है वो जहीन हो तो वो भी एक गोंद है उन्हीं गोंदों में से गोंद वो है मगाफिर का लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि जब वो खाते हैं तो मुंह से बदबू आती है जैसे कि लहसन प्याज की तो इन दो खातिन ने जैनब बिनते जहश के खिलाफ साजिश की और अशरफुल अंबिया से झूठ बोला और उनको अजियत दी आप अपने बाप को या मां को या प्रोफेसर को या बॉस को या टीचर को कहें तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है यह एहतराम है और वो भी झूठ दुनिया में कहीं भी जाएं लोग कहेंगे मां से झूठ बोला तुमने नहीं? तुमने झूठ बोला प्रोफेसर के लिए लेक्चर के दौरान की बदबू आ रही है करीब बैठ के पढ़ा रहा, या कर रहा आपके से आ रही है उसकी पूरी हो जाएगी। पूरी उसकी हट जाएगी। पूरी किसी दोस्त के लिए आप गाड़ी चला रहे हो किसी से तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है कंफ्यूज हो जाएगा वो क्या हीटर करूं या खिड़की खोलूं खिड़की खोलता हूं तो बू इधर जाएगी वैसे खिड़की खोलता हूं तो या गर्मी आएगी या सर्दी आएगी तमाम तफासीर शिया और सुन्नी में कि अशरफुल अंबिया को ये बात इंतहाई नागवार गुजरती थी कि उनके पास से बदबू आए लिहाजा आप देखें खाने वाली चीजों के बारे में ताकीद है कि खाओ जिसमें खुशबू आए हता ये जो रोजे के बारे में मशहूर है उसको लोग नेगेटिव ले लेते ले हैं हाँ, रोजे में एक बू आती है उसके लिए कहा गया है कि वो मलाइका को पसंद है ये एक अलग मौजू है लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि रोजे में बदबू आए आया रोजेदार स्प्रे कर सकता है बिल्कुल कर सकता है आया रोजेदार कुल्ली कर सकता है बिल्कुल कर सकता है आया रोजेदार रोजे के आलम में ब्रश कर सकता है बिल्कुल कर सकता है, है। बल्कि रवायात के बारे में तवील हमारा लेक्चर भी है कि खुद हमारे रवायात है अतीब साइम की खुशबू जो है रोजेदार के लिए खुद एक तोहफा है तो ये अलग है कि को रोजेदार के मुंह की बू जो है वो खुशबू लगती है अलग मौजू है लेकिन इसमें ये वाला मौजूद नहीं है कि अब हमारी सबकी जिम्मेदारी बन गई कि जिस ऑफिस में भी जाए तो मुसलमानों के मुंह से बदबू आए तो अशरफुल अंबिया के बारे में अपने लिबास को गर्म पानी से भी धोते थे आप देखें जिसम के बाल साफ करने की ताकीद नहाने की ताकीद के गर्म मौसम में पसीने से जो लिबास में बैक्टीरिया बन जाते हैं कि दोबारा लिबास पहनो तो फिर बदबू आए उस गर्म पानी से धोते थे फिर वहां पर खुशबू इस्तेमाल करने की ताक़ीद, हता रवायात में अशरफ अलंबिया ने फरमाया कि खुशबू पे पैसा लगाना एसराफ नहीं है फिर उसके बाद आप देखें मुख्तलिफ की जड़ी बूटियां और लोबान जलाने का हुक्म खुशबू की चीजें जलाओ तो ये पूरा एक चैप्टर है कि अशरफ अशरफुलंबिया को खुशबू कितनी पसंद थी अब उनसे कहा जा रहा है कि आपके मुंह से बदबू आ रही है वो भी किसकी की और फिर अशरफ अशरफुलंबिया ने कहा इन दोनों खवतान का यह कि हमने कह दिया रसूल अल्लाह से तो अशरफुलंबिया ने कहा कि अच्छा इसका जिक्र अब किसी और से ना करना यानी औरों से ना कहती फिरना कि रसूल बदबू आ रही है और फिर अल्लाह सुबहाना तला ने यह हुक्म दिया इन ततुबा फखत सागत कुलूब हुकुमा तुम तोबा करो तुम दोनों के दिल टेढ़े हो चुके हैं अब आप देखें कि जब कोई अशरफुलंबिया से झूठ बोले तो सादका तो बहुत बड़ी बात सिद्दीक तो बहुत बड़ी बात है सादका नहीं हो सकती सिद्दीका तो बहुत बड़ी बात है एक झूठ के बाद इंसान सादिक नहीं रहता चे जाए कि अशरफुल से झूठ और उनको अजियत देना और वो भी किस लिए कि वो जनाब जैनबहैश के पास ना बैठे तो ये हमने गुफ्तु की कि ये जो लकब है सिद्दीका जिस तरह सिद्दीक अकबर लकब मौला आमिर का फारूक और फारूक आजम लकब थे मौला मोमिन के दूसरों को दे दिए गए बिल्कुल इसी तरह से सिद्दीका जो लकब है वो जनाब हजरत फातमत जहरा सलवात का और फिर इन्हीं अलकाब में से जो एक अहम तरीन सफर जनाब सैदा के लिए तस्वर की जा सकती है एक सिफत जनाब सैदा के लिए जो अहम तरीन सिफत है लेकिन उससे पहले जहन में रहे कि ये कहने वाले कौन हैं अशरफुल अंबिया हैं जो रहमत आलमीन है और फिर हमारे अकीदे के हिसाब से भी बात रहे दूसरों के हिसाब से भी अच्छा नतीजा निकलेगा हमारे हिसाब से तो ख़र और ज्यादा अच्छा निकलेगा कि हम ये नहीं मानते कि नबी किसी वक्त नबी नहीं थे और अचानक हो गए ना हम कहते हैं कि उन्होंने ऐलान फरमाया उनको इजाजत हुई कि आप खोल दो इस बात को तो उल अंबिया तो हमेशा से थे रसूल थे औजम थे खातम उल अंबिया थे उल आलमीन थे हमेशा से कुमे तो कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के मरहले में थे तो अभी कौन फरमा रहे हैं वातबा कि जो अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते जब तक कि वही ना आ जाए वो फरमा रहे हैं जनाब सैदा के लिए किस उम्र में फरमा रहे हैं कि जब तकरीबन वो पांच छह साल की हैं अब ये जहन में रहे कि जनाब सैदा सलाम कि जिसमें हम सब के लिए जो है खूस बच्चों के लिए कि जब कहा जाए कि उनमें उसवा हसन आए तो जब वो अपनी वालदा हजरतुल्कुबरा सलवा के शिका में मुबारक में थी और जनाब हजरत खतीजा सलाम तनहाई के आलम में थी जब परेशान होती थी तो जनाब सैदा सलाम उनसे बातें करती थी उनका दिल बहलाती और जनाब खा से जब कभी अशरफुल सवाल करते थे तुम्हारा क्या हाल है तो फरमाती थी कि मेरे शिकम में जो ये बच्ची है, ये जो मौलूद है, ये मेरा दिल बहलाती है। तो अब यहाँ तस्वुर करें कि अभी दुनिया में नहीं आई है लेकिन माँ का ख्याल कर रही है अभी तकरीबन चार पांच साल की हैं तो इस दौरान कत अन, कि जब शिकम मादर में है और माँ का इतना ख्याल किया तो जब दुनिया में कदम रखा हो उस वक्त भी कतन माँ का ख्याल किया होगा अब एक वक्त आया कि माँ दुनिया से चली गई और जनाब ये जानती कि मेरे वालिद दो अहम नासिरों से महरूम हो गए बैक वक्त एक जनाब हजरत खतीजा सलाम और एक हजरत अब अब हजरत फातिमा सलाम जानती है कि मैं अपने बाबा कि दो मददगार जाने के बाद मैं इनसे कुछ मांगू या मैं इनको कुछ दू जनाब हजरत खतीजा सलाम की ये बेटी है उस मां की जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया और हजरत खतीजा में इतनी कहा जा सकता है कि जरूरत नहीं थी सब कुछ लुटाने के बाद के वो अशरफुलंबिया से ये कह देती कि जिस लिबास में आप पर वही आती थी वो मुझे कफन में दे दीजिएगा अपने मुंह से नहीं बोल सकी उसके लिए किसको उन्होंने वसीला बनाया हजरत फातिमा सलाम कि मेरे मरने के बाद अपने बाबा से कहना कि जिस लिबास को आप पहनते थे और आप पर वही नाजिल होती थी वो मेरे कफन में रख उसका मुझे कफन दे जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया अकरबा रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिए शेब अभी तालिब में तो उस खातून की बेटी हजरत फातिमा सलाम और उस माँ का दिल बहलाती थी हजरत फातिमा और जब ये माँ और हजरत अबू तालिब दुनिया से चले गए जनाब तो सैदा ने अपने बाबा से कुछ मांगा नहीं बल्कि इतनी मोहब्बत दी उन्हें इतनी मोहब्बत दी कि अशरफुलंबिया कोई मुबालगे से काम नहीं करते कोई शेर नहीं कह रहे थे वो मुबालगा में बल्कि हकीकत में कहा कि फातिमा अपने बाप की भी मांग यानी जनाब सैदा ने बाप से ममता नहीं चाहिए बल्कि अपने बाप को इतनी मोहब्बत दी कि अशरफुलंबिया को कहना पड़ा फातिमा तो उम्मो अभी हा पढ़े बर महम्मद वाल मोहम्मद तो यहां से नतीजा निकला कि जनाब सैदा की रविश पे अगर कोई चलना चाहे तो अपने माँ बाप का ख्याल करे और उनकी खिदमत करे अब जनाब सैदा सलाम ये जहन में रहे कि जब इस दुनिया में आने से पहले अपनी वालदा का दिल बहला रही हैं और माँ और हजरत अबू तालिब के जाने के बाद बाप की इतनी खिदमत कर रही हैं तो जब दुनिया में आने से पहले जनाब खतीजा की वो खिदमत कर सकती हैं तो इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका यह सिलसिला बाकी है अमूमन एतराज किया जाता है कि तबसल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है इंसान दो चीजों से मिलकर है एक रूह, एक जिस्म। मौत के बाद रूह और जिसम में फर्क होता है इंसान खत्म नहीं होता है अशरफुल अंबिया कल भी नबी थे आज भी नबी हैं वो कल भी रहमतुल आलमीन थे आज भी रहमतुल आलमीन है। वो खत्म नहीं हुए और जनाब सैदा आज भी उस रहमतुल आलमीन की मां हैं और कल भी उस रहमतुल आलमीन की मां थी यानी आज भी उम्मे अबीहा हैं और कल भी उम्म में अबीहा थी और रहमत आलमीन के लिए आज भी खैर कसीर हैं और कल भी खैर खैर कसीर थी और जब भी कौसर के ऊपर दिक्कत करें तो हमेशा ये सोचें कि ये खैर कसीर हमारे और आपके लिए नहीं है वो तो है यानी सिर्फ हमारे आपके लिए खैर कसीर नहीं है वो खैर कसीर उसके लिए है कि जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है वमा रहमतन काम आलमीन पड़े बर मोहम्मद जनाब सैदा से कोई भी तवसल करे अब्बस तो जहन में रखें कि अल्लाह सुबहाना हुआ तुआ करनी है उससे बढ़कर कोई नहीं है और जो रसूल आल रसूल के पास है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है कभी अगर तवस्सुल का नतीजा ना निकले तो ये नहीं कह सकते कि ये कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दुआ का नतीजा ना निकले तो नहीं कह सकते कि अल्लाह पानो कुछ नहीं कर सकता अल्लाह की भी है और तबसुल के बाद इनकी जानब से भी मसल है। लेकिन हां नतीजा जरूर निकलता है जिस तरह अल्लाह से की हुई दुआ रायगा नहीं जाती उसका सवाब जरूर मिलता है बिल्कुल इसी तरीके से रसूल रसूल से तबसल का अगर नतीजा बजा निकले लेकिन उससे बेहतर इस इस दुनिया दुनिया में में या उस दुनिया में इस के स्वब और उस एहतराम के स्वाब की सूरत में जरूर मिलेगा अब वो कैसे मिलेगा फर्ज करें क्या कोई भी हम में से ऐसा है कि अपनी किसी हाजत के लिए जनाब सैदा के कातलों से तस्व तस, तवसल करे बस दफा अपनी को जानना चाहिए एक चीज होती है इनकसारी की हम सब अपने आप को गुनागार समझें और फिर इस्तवार करें एक ये है कि हम सब अपने आप को कहें कि हम सही माना में मुहिब और सही माना में शिया नहीं है यह इनकसारी है लेकिन क्या हम इनकार कर सकते हैं कि मुहिब नहीं है नहीं ये तो हमारी असल फजीलत है कि इनकार कर सकते हैं कि शीआ नहीं है कहेंगे कि हाँ जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है लेकिन इनकार नहीं करेंगे हम अल्लाह के मानने वाले नहीं है क्या कहा जाएगा नहीं जो हक है अल्लाह की इता का वो नहीं है लेकिन है मानने वाले तो अपनी कद्र कीमत जाननी चाहिए क्या हम में से कोई ऐसा है जिसकी दुआ कबूल ना हुई हो तो उसने कभी शैतान से कहा कि या शैतान तू मेरी मुश्किल को हल कर दे नहीं है ना इसका मतलब है हम बहुत अच्छे हैं सलबात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या कोई हम में से ऐसा है कि जब रसूल आले रसूल से तवसुल का नतीजा ना निकला हो तो कहा हो कि हम अब कातिला ने जनाब सैदा से दुश्मना रसूल आले रसूल से तवसुल करें कोई भी ऐसा नहीं अब अगर परेशानी के बाद तवसुल किया जाए और तवसुल का नतीजा ना निकले फिर तवसुल किया जाए तो ये खुद इबादत है और ईमान को जाहिर करती है दुआ परेशानी बाद दुआ मांगी जाए तो ये खुद अलामत है कि हम खुदाबन तबारक वाली की कुदरत के कायल हैं और अगर उसके बाद भी दुआ कबूल ना हो फिर दुआ मांगी जाए तो इस बात की अलामत है कि हम अल्लाह सुबहाना वाले को अलीम मानते हैं कि उसकी मसलहत होती तो कबूल कर लेता नहीं किया मैं दूसरी दुआ मांग रहा हूं यही वजह है क्या है रिवायतों में कि रोज क्यामत जब नामा अमाल खुलेगा तो बाज मोमन परेशान हो कहेंगे कि इतने अच्छे अमाल तो हमारे नहीं है ये इतनी ज्यादा नेकियां कहां से आई तो जवाब मिलेगा कि वो दुआएं जो तुमने मांगी थी और कबूल नहीं हुई ये उनके बदले नेकियां हैं तो मोमिन ये कहेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती तो दुआ खुद एक प्रैक्टिकली इबादत है अमल है और अकीदा झलकता है किस सूरत में कि हम फकीर हैं वो गनी है हम नहीं कर सकते वो सब कुछ कर सकता है यही झलक नजर आती है बिलायत की कब तस् की सूरत में कि उसी अल्लाह सुबहाना ने हमें से कोई ऐसा नहीं है कि रसूल के बारे में कहे कि उनके पास जो ताकत है वो उनकी अपनी है कोई कहता है ऐसा शिया कोई ऐसा कहता है कि अल्लाह अलग था ये पहले से अलग थे ना हम कहते हैं कि अल्लाह ने इनके नूल को खल फरमाया अल्लाह ने इनको ताकत दी अल्लाह ने इनको ये मकाम दिया बस जिस तरह से दुआ करने के बाद एक अकीदा जाहिर होता है कि गुजारिश है कुछ आगे तशरीफ ले आई पर मोहम्मद वाले दुआ के बाद ये अकीदा नजर आता है कि खुदाबंद तारा कादिर है और हम फकीर हैं और वालीम हकीम है एन एन ये जलवा नजर आता है तबसल के बाद तो ये जान लें कि दुआ करना इबादत है और उसका सवाब है और उससे रूह मजबूत होती है और उससे अकीदा मजबूत होता है चाहे दुआ कबूल हो या ना हो इसी तरीके से तबसुल में और अगर दुआ कबूल ना हो और उसके बाद दुआ मांगी जाए तो ये और ज्यादा रूह को निखारता है कि हम अभी अल्लाह सुबहाना तआला से गाफिल नहीं हुए हैं नाराजी नहीं है उसको आदिल मानते हैं हकीम मानते हैं और उम्मीद नहीं हुए क्योंकि गुनाहों में से बदतरी को ना नाउमीदी है ऐन यही झलक नजर आनी चाहिए कि हम रसूल से ना गाफिल हुए ना उम्मीद हुए उनकी मसलहत की तबसल कबूल हुआ उनकी मसलहत हुई तो तब्सल नहीं कबूल हुआ सल पढ़े बर मोहम्मद मोहम्मद जनाब सैदा से और इन अरवाह मुकदसा से चाहदा मासूमिन और जो उनसे रिलेटेड हैं कोई भी तवस्सुल करता है नतीजा निकलता है रूह के ऊपर एक निखार आता है एक वाकया जो ईरान के एक मशहूर खतीब ने खुद बयान किया कि जब वो जर्मनी गए तो वहां उनसे मिलने के लिए एक जर्मन शख्स आया और उसने कहा कि मेरे घर आप मजलिस पढ़ने के लिए आए हैं तो क्या आप मेरे घर में मजलिस पढ़ देंगे तो उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन मैं पहले बात करूं तो उसने कहा कि आपको मजलिस पढ़नी है एक और शुरू के दस दिन हैं लेकिन जो मसाइब पढ़ने हैं वो हजरत फातिमा के पढ़ने हैं बाद में उन्होंने जाहिर है कि सिफारत खाने वालों के जरिए से आया तो उन्होंने पूछा भी कि मैं पूछ के बताऊंगा प्रोग्राम तो पूछा ये कौन है कहा कि ये एक शिया हुआ है और ये अपने घर में जो है वो जो भी आता है उनको बुलाता है मजलिस के लिए हर साल पिछले दो तीन साल से तो ये एतमाद वाला है जा सकते हैं तो कहने लगे मैं वह गया और बहुत ही मालदार कस्म का आदमी था जब उसने फिर ताकीद की के आपको जो फाइनल जिक्र करना है वो हजरत फातमा करना है कहा मैंने कहा वजह क्या है ये तो यहां में है तो उसने वजह बताई कि और वो आप वजह समझ सकते हैं यहां के हालात को और यहां के मालदारों के प्रॉब्लम को जहन में रखते हुए आज भी बात हो रही थी कि यूरोप और अमेरिका का जो मालदार शरीफ आदमी है वो सबसे ज्यादा परेशान है अगर वो अच्छे खानदान का है क्योंकि अगर और हर रोज कुल्लो योमन हुआ फिशान, तो उस में भी उनको बुरी निगाह से देखा जाता है कि आदमी है और जो बेचारा शादी करता है तो हाफ और हाफ के चक्कर में बेचारा खुद ही जीरो ज्यादा परेशान बिजनेसमैन उसे पता है कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो यही हाल जाहिर है जर्मनी का भी रखे हैं। तो बिजनेस था थोड़ी देर में उसने शादी की और शादी के फिर बाद शादी हुई बच्चा हुआ यह भी आप जानते हैं कि मसाइलियां हैं कि दोनों लेट हैं और बच्चा हुआ है तो एक बेटी हुई तो कहता है ये जो बेटी थी ना ये हमारी जिंदगी में बिल्कुल एक बाहर आ गई थी हम दोनों की जिंदगी का मरकज ये बेटी थी अब ये पांच छह साल की तकरीबन सात पांच छह साल की बच्ची थी कहने तो लगे यार एकदम से ये पीली पीली होने लगी बुखार सा होने लगा कमजोर होने लगी अब हमने चेकअप कराया तो पता चला तो कैंसर है उसको उसके बाद हमने पूरी कोशिश की जर्मनी में दिखाया इंग्लैंड में दिखाया और एक दो जगह दिखाया आखिर में एक डॉक्टर ने कहा कि देखो बुरा मत मानना अब इस बच्चे को मजीद अजीय ना दो ज्यादा अच्छा ये है कि इसको घर ले जाओ घर का माहौल दो अब ये दोस्तों से ज्यादा जीने वाली नहीं है ये इसका बेडरूम हो इसके खिलौने हो इसकी चीजें हो, तो ये घर ले आए इनके यहां एक मेड आती थी एक मेड आती थी जो ईरानी थी और बुजुर्ग खातून थी अब जाहिर है ये मामला दस पंद्रह दिन में बीस दिन में हुए एकदम से बढ़ गए अब इस दौरान वो नहीं आई या इनसे नहीं मिली अब जब यह नाउमीद होके वापस आए तो उसने पूछा कि ये क्या है सब कुछ ये तो उसने कहा कि जब उन्होंने बताया कि नाउमीद है, सब कुछ हो गया उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का मैं भी बताती हूं तो वो कहता है कि मैंने कहा क्या तुम्हारे ईरान में भी कोई ऐसे डॉक्टर हैं कहाँ है नंबर बताओ मुझे अपॉइंटमेंट का क्या होगा ताकि जाऊं वहां तो उसने कहा कि ना नंबर की जरूरत है ना अपॉइंटमेंट की जरूरत है उसने कहा क्या ये क्या बातेंगे बोला टिकट चाहिए होगा जाना होगा कहा कि नहीं कहने लगी सिर्फ एक काम करें आप एक सौ पैंतीस दफा जो है और कहा उससे कि बेशक अपनी जबान में या मौलाती या फातिमा तो आगे से ऐ मेरी सैयदा ऐ मेरी सरदार ऐ जनाब फातमा मेरी मदद फरमाए ये जाओ एक कमरे में पढ़ो वो आदमी कहता है कि जब मैं कमरे में गया उसने मुझे अपनी तस्वीर दी कि इस पे पढ़ो तो वो भी ये कमरे में चली गई उसने दुआएं शुरू कर दी कहने लगे थोड़ी देर में बच्ची जो मेरी सो रही थी एकदम से उसने जो है वो चीखना शुरू किया कि कहा चली गई कहाँ चली गई हम लोग दौड़ के गए तस्वीर मुकम्मल हो चुकी थी तो क्या देखा कि मेरी बेटी जो है बिल्कुल सही साले में दौड़ रही है और पूछ रही है कि बाबा वो कहाँ गई खातून तो मैंने पूछा कौन कहा कि एक औरत आई थी अभी खातून आई थी और वो कभी भी अपना हाथ अपनी पसली पे रखती थी और सहारे के लिए दीवार पे हाथ रखती थी और उसने मुझे शफा दी है उसने कहा कि उठो और कहा कि अपनी इस मेट से कहना कि जिसको ये लोग बीबी कहते थे वो जो बुजुर्ग खातून थी वो इनसे कहती थी कि मेरा नाम ना लो मुझे बीबी को। कहना कि ये जो तुम कह रही थी कि ए मेरी माँ और ये सदा थी खातून कि मेरी इज्जत ना चली जाए मुझे शर्मिंदा ना कर देना तो उससे कहना कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं होने देते तो इस वजह से मैं हर साल एक मजलिस रखता हूं इमाम हुसैन सलाम की लेकिन मसाहब में मेरी ख्वाहिश होती है कि हजरत फातिमा सलामुल क्यों सलबात पढ़े बर मोहम्मद मोहम्मद तो फिर मैं तवज्जो दिलाऊं कि जनाब सैदा सलाम आलमीन के लिए भी खैर कसीर है वो इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ है लेकिन अशरफुल अंबिया ने उनको अपनी मां कहा है अभी हा। वो इमाम भी नहीं है और नबी भी नहीं है लेकिन जब तारुफ होता है उनका तो इस सूरत में होता है हम फातमा तो वह अबूहा व बनूहा आलम मलायका में जब तारुफ हो रहा है तो इस सूरत में हो रहा है कि ये जो जमा है ये फातिमा है उनके वालिद हैं उनके शोहर हैं और उनके बेटे हैं तो यहाँ समझ जाए कि जनाब सैद्लाम का क्या मकाम है बारगा नबुवत में और बार इमामत में और यही वजह है कि इमाम वह जदत फातिहरा हम अल्लाह की जानब से हुत है तमाम बंदों पर और हमारी जद्द हजरत फातमा हजत है हम पर को और यह वोम है कि जिसमें रसूल की बेटी कि जिससे रसूल ने इतनी मोहब्बत की कि जब वो आती थी तो खड़े होते थे और दौड़ के उनकी जानब जाते थे और क्यों उन्हें अपने सीने से लगाते थे कभी उनके बालों को सूंघते थे कभी उनके हाथ को चूमते थे कभी हाथों को सूंघते थे और फरमाते थे कि मैं जब मैराज याद आती है तो फातिमा को अपने गले लगाता हूं और खुशबू को सूंघता हूँ और उन्हें इंतहाई अजीयत होती थी जब कुछ हासित खात अंबिया पर एतराज करती थी और उन्हें हसद होता था बिल्कुल वैसे ही जैसे जनाब जैनब बिनते जहश के रुकने से हसद होता था हजरको लेकिन ये बेटी वो बेटी है कि जो अशरफुल अम्बिया ने अपनी माँ कहा और जनाब सैदा के अलकाब में से एक लकब है रेहानत तो रसूल रसूल का फूल क्योंकि सूंघते थे वो जनाब सैदा अब आप तस्वुर करें अंबिया को महराज में जनाब सैदा का नूर मिला जनाब सैदा की जिसमानी खिलकत की इब्तदा भी महराज से हुई और एक दरख्त जिसकी खुशबू अंबिया को याद आती थी जिस फल की खुशबू याद आती थी उस फल को खा के जनाब सैदा के जिसम की इब्तदा हुई और जन दुनिया में जब वो वक्त याद आता था महराज का तो जनाब सैदा को सूंघते थे इसीलिए जनाब सैदा का एक लकब है रेहानतुलरसूल यानी रसूल अल्लाह का फूल लेकिन बाद अशरफुलंबिया इस फूल को मसल दिया गया एक वक्त आया कि अशरफ अशरफुलंबिया दुनिया से जाने वाले हैं आज अशरफ अशरफुलंबिया के मसाइब बयान करते हैं कि वह रसूल के जिस पत्थर भी पड़े जब वो अकबा से गुजरे तो उनको कत्ल की कोशिश भी की पत्थर और चटाने फेंकी गई फिर उनको जहर दिया गया उन्हें अजियत दी जाती थी झूठ बोला जाता था अब एक वक्त आया है कि अंबिया के जिस्म में जहर फैल चुका है और अंबिया की कभी आंखें खुलती हैं कभी आंखें बंद हो जाती हैं ऐसे में जनाब सैदा को वो देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं यानी जनाब सैदा को देख रहे हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो मसायब के लिए इतना काफी है कि अशरफुलंबिया की आंखें बंद होने वाली हैं और जनाब सैदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और यही चीज अशरफुलंबिया के दम निकलने के लिए काफी है कि मेरी जिंदगी में फातमा रो रही है अब एक वक्त आया कि क्या हाल होगा अशरफुलंबिया का जिसम में जहर फैल चुका है और अंतहाई शिद्दत की नकाहत है ऐसे में जनाब सैदा से सवाल करते हैं अभी कितने आराम से हमने कह दिया कि सवाल करते हैं लेकिन तस्वुर करें कि जो फातिमा से इतनी मोहब्बत करता हो रहमत आलमीन के लिए जो खैर कसीर हो जो जनाब सैदा के लिए कहे कि फातिमा अपने बाप की भी माँ है तो किस तरह से सवाल किया होगा कि फातिमा तुम्हारे रोने की वजह क्या है तो जनाब सैदा ने रोने की वजह बयान की कि बाबा आप दुनिया से जा रहे हैं तो फिर अशरफुल ने जनाब सैदा के कान में एक जुमला कहा कि बाद में सवाल करने वालों ने सवाल किया एक वक्त आप रो रही थी और जब अशरफुल अंबिया ने अपने पास बुलाया तो उसके बाद आपके कान में कुछ कहा कि जिसके बाद आपने तबस्सुम फरमाया तो तबस्सुम की वजह क्या थी तो जनाब सैदा ने फरमाया कि मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी

अशरफुल अंबिया भी दुनिया से नहीं गए तो जनाब सैदा को बशारत दी कि फातमा तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी बस मसायब खत्म हो गए तस्वुर करें कि अभी दम नहीं निकला, तो फातमा को तसली दे रहे हैं कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी और जब दम निकल गया तो ये निधा अशरफुल अंबिया ने सुनी कि धमकी देने वाला शख्स कह रहा है कि जितने लोग घर में है घर से बाहर निकल आए वरना घर को आग लगा दूंगा बस एक तस्वुर करे कि अशरफ उलंबिया का भी दम नहीं निकला वो जनाब सैदा से फरमा रहे कि फातिमा तुम सबसे पहले मुझसे मिलो बस एक सवाल करें अपने अपने जहन में अंबिया की उस मोहब्बत को कि जो जनाब सैदा से थी उसे अपने जहन में रखें और एक सवाल करें कि अंबिया को यह तो इल्म है कि तुम सबसे में सबसे पहले मुझसे मिलोगी पंजतन में से सबसे पहले मुझसे मिलोगी लेकिन फकत यही इल्म नहीं है बल्कि यह भी इल्म है के फातिमा तुम टूटी हुई पसली गोलियों के बाद मोहसिन के कत्ल के बाद ताजियाना और तमाचा खाने के बाद सबसे पहले मुझसे मिलोगी या अल्लाह जिस जिसने रसूल अल्लाह जनाब सैयदा और आइम्मा पे जुल्म किया उन सब पे लानत फरमा